हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए गुजरनवाला डॉन और सीएच ग्रुप ऑफ गुजरनवाला का रिएक्शन। सो ये बहुत ही यूनिक वीडियो किसी ने भेजी है कि लाइक गुजरनवाला के जो डॉन है यानी किस तरीके से लाइक फेमस पर्सनालिटी है पंजाब के एंड लाइक इनके अंडर बहुत सारा कंट्रोल है। सो देखते हैं कैसा होता है। हमने एक बहुत थोड़े टाइम पहले लाइक 3-4 महीने पहले हमने एक वीडियो देखी थी लाइक डॉन्स ऑफ पाकिस्तान करके एंड लाइक उसमें तो मेरे को याद है वो ताजी खोखर और ऐसे ऐसे के नाम मैंने पढ़े थे। सो लाइक सीएच ग्रुप का हमने नाम इतना सुना नहीं था। अब ये कौन है और किस तरीके के डॉन देखते हैं फिर। और एक सही बात बताओ, हम लोग अंडरवर्ल्ड को ना ऐसे नॉर्मली ले जाते हैं, ऐसे सोचते हैं कि हाँ एग्जिस्ट करता है, करता है करता है, जब तक हमारे ऊपर खुद बात नहीं आई। लेकिन ये सही में बहुत गलत चीज़ है कि तुम अपने फायदे के लिए किसी के भी कमाए हुए पैसे छीन लो। ठीक है, अब लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि अंडरवर्ल्ड के डॉन्स बेसिकली ये लोग, यार हम लोगों ने इतनी मेहनत से कमाए पैसे होते हैं, ठीक है, वो हमारे से ऐसे छीन लेते हैं 1 महीने के अंदर, बस हमारे को ब्लैकमेल करके, या फिर अगर नहीं करो हमारे किसी अपने को मान लेते। तो यार ये बहुत ही गलत चीज़ है और लिटरली ऐसे लोग एग्जिस्ट भी नहीं करनी चाहिए हमारी सोसाइटी में। और हमारे जैसे लोग इन लोगों को तवज्जो देते हैं, और ये लोग ऐसे कि लाइक जिन सिंगर्स वगैरह को भी इनको पे करना पड़ता है, तो लाइक तुम सोचो कितना खौफ है इन लोगों को। और ये लोग क्या करते हैं, बस इन लोगों को बिना मेहनत के ये पैसा कमा रहे हैं, ये लोगों को मार के पैसा, तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो मैं इस वीडियो में देखना चाहती हूँ कि लाइक कौन ऐसी पर्सनैलिटी है, ठीक है, और इनको बोला है तो किस बेसिस पे बोला है, तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है। वही, और साथ में ये भी देखना होगा किस तरीके से लाइक इनकी इंटर गैंग राइवलरीज और कैसे सब चीज होती है। देखते हैं फिर, आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जिला गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका और गांव छन्नी विरका से ताल्लुक रखने वाले चौधरी मुराद विरक, जो कि 1,000 एकड़ रकबे के मालिक होने के साथ साथ एक अपने इलाके हजार में काफी ज्यादा असर और रसूख रखते थे, उनकी दुश्मनी की दास्तान आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये दुश्मनी शुरू किस बात से हुई, इसका अख्तिताम कब और कैसे हुआ, और इस दुश्मनी में 45 अफराद कैसे कत्ल हुए, आप ये तमाम तर तफसीलात जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। याद रहे कि दुश्मनी की ये दास्तान सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस तरह के लड़ाई झगड़ों और दुश्मनियों से होने वाले जानी और माली नुकसानात और तबाही और बर्बादी से लोगों को आगाह करना है। आप सबसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चौधरी मुराद अली विर्क 1,000 एकड़ ज़रई रकबे के मालिक थे, अपने पूरे इलाके में काफी ज्यादा इनका असर और रसूख था। चौधरी मुराद अली विर्क के 9 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम ईसा विर्क था। ईसा विर्क के 6 बेटे थे, इन 6 में से सबसे बड़े बेटे का नाम चौधरी आशिक अली विर्क उर्फ बाबा विर्क था। चौधरी बाबा विर्क गुस्से के बहुत तेज और सख्त तबीयत के मालिक थे। इनके 5 बेटे थे और दूसरे नंबर पर जो बेटा था उसका नाम चौधरी वारिस अली विर्क था, जबकि तीसरे नंबर पर जो बेटा था उसने पंजाब लेवल पर अपने असर रसूख का लोहा मनवाया, जिनका नाम चौधरी अरशद उर्फ मूदी विर्क था। दुश्मनों के लिए मौत समझे जाने वाले मूदी विर्क, उनके बड़े भाई चौधरी वारिस अली विर्क और उनके वालिद चौधरी आशिक विर्क अल मरूफ बाबा विर्क, ये 3 ऐसे नाम थे जिनकी वजह से इनके गांव यानी छन्नी विरका और तहसील नौशहरा विरका और जिला गुजरांवाला का नाम पूरे पंजाब में गूंजता था। 80 की दहाई तक तो इस खानदान के लड़ाई तो झगड़े सिर्फ हाथापाई तक महदूद थे, यानी उस वक्त चौधरी मुराद अली विर्क और उनके बेटे चौधरी ईसा विर्क का काफी असर और रसूख अपने इलाके में चलता था। फिर जब चौधरी ईसा के बड़े बेटे चौधरी आशिक अल मरूफ बाबा विर्क जवान हुए तो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहला कत्ल किया। इसके बाद बाबा विर्क ने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में इनका सियासी मुखालिफ गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखता था और इस इलेक्शन में अपने सियासी मुखालिफ से इनकी काफी बात बिगड़ गई। बात बहुत ज्यादा बिगड़ने की वजह से सन 1990 में चौधरी बाबा विर्क के 3 बेटों चौधरी मुदी विर्क, चौधरी वारिस विर्क और चौधरी गोगी विर्क ने अपने वालिद के सियासी मुखालिफ को नौशहरा विरका के चौक में हथौड़े मार मार कर कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद चौधरी बाबा विर्क के इन 3 बेटों को 3 साल जेल काटना पड़ी। उस वक्त लाखों रुपए अदा करने के बाद विर्क ब्रादरान की अपने मुखालफीन से सुलह हो गई। 1993 में ये चारों भाई जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद मुदी विर्क ने गनमैन वगैरह रख लिए और उस वक्त जदीद तरीन असला खरीद लिया। असलहा बेचने वाले ने इन्हें खराब गोलियां बेच दी। इन्हें पता चलने पर मुदी विर्क अपने भांजे समेत उस दुकान में दाखिल हो गया और पूरी दुकान का असलहा लूट लिया। इस वारदात की खबर उस वक्त के अखबार में पहली दफा मुदी विर्क के नाम से शाया हुई। यहीं से हकीकत में मुदी विर्क ग्रुप की इब्तदा हुई।
इनका गांव छन्नी विरका मंशियात फरोशी और इस तरह की दूसरी वारदातों में बहुत मशहूर रहा। एक दफा पुलिस ने इस गांव पर रेड किया तो मुदी विर्क के गनमैनों ने पुलिस को घेर कर उनसे सरकारी असलहा छीन लिया। इस छीने गए असलहा में तकरीबन 14 अदद बंदूकें थी। असलहा छीनने के बाद पुलिस वालों को कपड़े उतरवा कर वहाँ एक गंदे तालाब यानी छप्पड़ में उतारा गया। इस वाकया के बाद जहां पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं पूरे इलाका में चौधरी मुदी विर्क ग्रुप दहशत का निशान बन गया। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी की मुदाहलत पर पुलिस से छीना गया सरकारी असलहा मुदी विर्क ग्रुप से वापस लिया गया। चौधरी मुदी विर्क ग्रुप का एक और मशहूर वाकया है कि एक दफा चौधरी मुदी विर्क अपने गाँव में चावल की फसल लगा रहा था। इस दौरान पुलिस ने रेड किया तो मुदी विर्क ने अपने गनमैनों के साथ मिलकर पुलिस से गन पॉइंट पर चावल की फसल लगवाई। 14 जमातें पास इस नौजवान यानी मुदी विर्क के बारे में लोगों का कहना था कि वो गरीबों और बेसहारा की मदद करता है। 90 की दहाई का एक वाकया है कि चौधरी बाबा विर्क एक पंचायत में गए। इस पंचायत में एक दूसरी गुज्जर बरादरी से तलख कलामी की वजह से चौधरी बाबा विर्क ने गुज्जर बरादरी के एक फर्द को मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इस एक थप्पड़ की वजह से ऐसी दुश्मनी का आगाज हुआ जिस दुश्मनी में 45 अफराद कत्ल हुए। शुरू में तो इस दुश्मनी में विर्क ग्रुप और गुज्जर ग्रुप में कई दफा हाथापाई हुई, जिसकी वजह से दोनों ग्रुपों के कई अफराद काफी दफा जख्मी होते रहे। लेकिन 1997 में चौधरी मुदी विर्क अपने गन मैनों समेत दो गाड़ियों पर एक गाँव में शादी पर जा रहे थे। रास्ते में उस गुज्जर बरादरी का भी गाँव था जिनसे इनकी दुश्मनी अभी चल रही थी। चौधरी मुदी विर्क के ग्रुप ने उस गुज्जर बरादरी के गांव से गुजरते हुए फायरिंग कर दी। दूसरी तरफ गुज्जर ग्रुप ने यह समझा कि मुदी विर्क अपने गनमैनों समेत हमारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए आया है। इस तरह गुज्जर ग्रुप भी अपने गनमैनों के साथ बाहर निकला और दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला होने लग पड़ा। इस मौका पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन फायरिंग के तबादले में चौधरी मुदी विर्क ग्रुप के 5 अफराद कत्ल हो गए। कत्ल होने वाले इन 5 अफराद में मुदी विर्क का एक बांजा साबी चट्ठा और दूसरा भतीजा फैसल विर्क था, जबकि 3 इनके गनमैन थे। यहां से इस दुश्मनी में कत्लो गारत शुरू हो गई और ये दुश्मनी जिला गुजरांवाला से निकलकर पंजाब लेवल तक मशहूर होती गई। इन 5 कत्लों की वजह से मुदी विर्क ग्रुप में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ गई और मुदी विर्क किसी ऐसे मौका की तलाश में था कि अपने दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा सके। मुदी विर्क का मकसद अपने साथियों का इंतकाम लेना था। आखिर वो मौका 1998 में मुदी विर्क को मिल ही गया। मुहालफीन की बारात रोक कर मुदी विर्क ने अपने 6 साथियों समेत मुहालफीन की बारात पर हमला करके 22 अफराद को कत्ल कर दिया। मुदी विर्क ग्रुप ने इन 22 अफराद को कत्ल करने के बाद वहां पर मौजूद मुहालफीन के एक शख्स को जिंदा छोड़ दिया और उसे पैगाम दिया कि मेरे मुहालफीन को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि अभी मुदी विर्क ने सिर्फ अपने एक पांजे का बदला लिया है। इस कत्लो गारत के वाके के बाद हर तरफ खौफो हरास फैल गया और मुदी विर्क को इश्तिहारी करार दिया गया। उसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकरर की गई। ये रकम आज के हिसाब से करोड़ों रुपए रकम बनती है। कत्लो गारत के इस वाकया की खबर BBC लंदन ने भी शाया की। 22 अफराद को कत्ल करने के बाद भी चौधरी मुदी विर्क ग्रुप की इंतकाम की आग ठंडी ना हो सकी। चौधरी मुदी विर्क पुलिस की वर्दी पहनकर अपने मुहालफीन के लोगों को अगवा करता और अपने साथियों की कब्रों पर ले जाकर उन्हें कत्ल कर देता, जबकि अपनी मुखबिरी करने वालों को कत्ल करके उनकी लाशें चौक पर लटका दिया करता था। इस तरह चौधरी मुदी विर्क पर 35 से जायद अफराद के कत्ल के मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी मुदी विर्क गिरफ्तार ना हो सका। फिर सन 1999 में मुदी विर्क को एक प्लानिंग के तहत उसके करीबी साथी के जरिए एक नशा आवर चीज पिलवा कर उसे कत्ल कर दिया गया। मुदी विर्क के कत्ल हो जाने के बाद चौधरी आशिक अल मरूफ बाबा विर्क को उनके सबसे बड़े बेटे गोगी विर्क की वजह से 12 साल जेल काटना पड़ी। चौधरी बाबा विर्क ने जेल में भी अपना असर व रसूख उसी तरह कायम रखा जिस तरह इलाके में उनका डंका बजता था। खास तौर पर गुजरांवाला जेल में वो बहुत मशहूर हो गए। तवील अरसा जेल काटने के बाद चौधरी बाबा विर्क सन 2018 में रिहा हो गए और अब वो शराफत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 2015 में गुज्जर ग्रुप से चलने वाली इनकी तवील दुश्मनी सुलह में तब्दील हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी सुलह को ताकयामत कायम रखे।
और तमाम इंसानों को इस तरह की दुश्मनियों और लड़ाई झगड़ों से महफूज रखे। हमारी इस वीडियो का मकसद महज लोगों को दुश्मनियों और लड़ाई झगड़ों के नुकसानात के बारे में आगाह करना था। पहले तो जब ये वर्ड मैंने सुना ना गुजरन वाला, मेरे दिमाग में ऐसे चलने लगा कि यार मैंने कहीं सुन रखा है, कहीं सुना। फिर मुझे याद आया कि जो रंजीत सिंह है वो भी गुजरन वाला में ही पैदा हुए थे और वहीं से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने लाइक वो काफ़ी बड़े वॉरियर थे सिख कम्युनिटी के। तो फिर उसके बाद मेरे को ये आया कि लाइक इतने बड़े मतलब वॉरियर थे वो, ठीक है, वो गुजरनवाला से बिलोंग करते थे, फिर उसके बाद ऐसे लोग पैदा हुए वहाँ पर, तो यार वो बहुत चीज़ गलत है। दूसरी चीज़ मेरे को ये लगा कि सबसे गंदा कि लाइक ये अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक सिख बेसिकली एक गुजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा जट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लाइक वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी का नाम भी ख़राब कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। और ये चीज़ हम लोगों को ये दिखाती है कि लाइक आपके पास चाहे कितना मर्जा पैसा हो, चाहे कुछ मर्जी हो, इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि यही फिर बड़ी बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे बात थप्पड़ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ जाकर कितने ज़्यादा मर्डर हुए और कहाँ जाकर ख़त्म हुई, और एट द एंड क्या हुआ कि बस इनका जो था भी मतलब पैसा था और सब कुछ था वो भी चीज़ें गई। और दूसरा चीज़ ये था कि लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जान, वो उन्होंने अपने करीबियों को पता नहीं कितना खोया है। अगर उस टाइम थप्पड़ नहीं मारते, कंट्रोल कर लेते अपने गुस्से पे, तो ये चीज़ होती ना। और एट द एंड मेरे को सबसे फनी ये भी लगा कि 1999 में जब उनको जेल हुई तो उसके बाद जब वो रिवाह हुए तो वो अब बेसिकली नॉर्मल लाइफ जी रहे, तो इससे अच्छा कि वो लड़ाई ही ना करते, ऐसे मर्डर ही ना करते, तो उनको जेल जाना नहीं पड़ता, तो सब पहले जैसी उनकी ज़िंदगी जी रही होती। तो ये चीज़ हमें बताते हैं कि हम लोगों को इन जैसा नहीं बनना है, हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, और मतलब इन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना। और लाइक कैसा था लाइक उसमें वो बताया गया था लाइक ये पहली बार इन्होंने अपना पहला कत्ल किया, तो लाइक ऐसे बता रहा जैसे होता ना पहली बार साइकिल चला के देखी या पहली बार कार चला के देखी, तो वैसे था पहला कत्ल किया, अब बड़े हो गए अब कुछ कर सकते हैं। और सबसे और हैरान वाली चीज थी, पहला कत्ल किया उसके बाद 3 साल की जेल हुई। यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी चोरी कर लो ना 3 साल की ऐसे जेल हो जाती है, तो लाइक 3 साल की जेल क्या होती है किसी का कत्ल करने के लिए, और फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, तो वही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। और उसके बाद उन्होंने पूरा टेरर मचा के रख दिया। एंड जो मोदी वो जो था भाई, वो तो मोदी वीर तो भाई बहुत अलग ही आदमी था, एंड वो बहुत ही तगड़ा आदमी था, तगड़ा मतलब संकी आदमी था देखा जाए तो, किस तरीके से जा जा के गोलियां चला रहे, लाइक उसके वो एक भांजे को मार दिया गया, तो उसका उसने बदला कैसे लिया कि एक बारात पे फायरिंग कर दी एंड 22 लोगों को वहीं के वहीं मार दिया, और किस तरीके से पूरा एक दहशत मचा दी, और बोला कि फिर ये तो सिर्फ एक भांजे की मैंने लड़ाई ली है और उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। फिर एक ये आदमी है जिसका मैं कह रहा चाहूँ मर्डर हुआ तो ठीक ही हुआ, बिकॉज अगर जिंदा रहता था ना, जितना टाइम जिंदा रहता है ये दिमाग खराब ही करता था और ये तो हालत खराब करता था, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि पुलिस तो इसको कैप्चर नहीं कर पा रही थी किसी भी एंगल से। एंड जहाँ तक बात करें यार, पूरा वो टेरर हो गया था, एंड फिर वो जो वो बाबा था उनको भी कुछ 12-13 साल की जेल हुई, एंड अब वो सुधर गए, तो लाइक मेरे ख्याल से लाइक अब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा हाँ। वाला चीज़ है मेरे ख्याल से, तो उनको थोड़ा जेल में ज़्यादा रखना चाहिए था एंड ऐसे उनको नहीं देना चाहिए, बिकॉज जो मर गए उनका तो क्या ही हो, उनको क्या ही जस्टिस मिला, सो लाइक इतने कुछ 10-12 साल की जेल से। तो बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएगा, और क्या ये अभी भी इनका कुछ टेरर वेरर है कि नहीं पाकिस्तान में ये भी ज़रूर बताएगा। तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।